बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम देखेंगे जी अपनी 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2.4 टॉर्क को हम डिस्कस करेंगे कि टॉर्क हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, वेदर ये स्केलर है, वेक्टर है, इसके अंदर कैसे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, रिजिड बॉडी में इसका क्या काम है और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एग्जाम्पल जिसकी हमारे पास डेली लाइफ में क्या आती है, वो सारा कुछ टॉर्क के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। टॉर्क का टॉपिक जो है वो आपने मार्क करना है एज एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अक्सर जो है एग्जामिनेशन में जो है टॉर्क के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको जो है वो तैयार भी लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है और इसीलिए कम्प्लीट टॉपिक हमने डिस्कस करना चाहिए अपना नोट्स के साथ, क्योंकि नोट्स में जो है वो आपके पास एक कंप्लीट फॉर्म आ जाती है कि आपने उसको लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो आप मेरे साथ जी टॉक का टॉपिक डिस्कस करेंगे, अपने मेरे साथ जो नोट्स आपके स्क्रीन पर विजिबल हैं इसके थ्रू हमने पढ़ना है जो अपना टॉपिक टॉर्क। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के बाद हमारे पास इसकी डायग्राम, इसका फॉर्मूला, इसके यूनिट डायमेंशंस, इसकी किस तरह से कब टॉर्क मैक्सिमम होता है, कब जीरो होता है, इसकी क्वान्टिटी क्या है, ये सारा कुछ हमने इसमें पढ़ना है। तो इसकी जो डेफिनेशन है जो 9-10 क्लास में पढ़ के आ रहे थे वो सिर्फ इतनी थी कि टर्निंग अफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज कॉल्ड द टॉर्क, लेकिन अब हमने क्योंकि इसको पढ़ना है इन द फॉर्म ऑफ द वेक्टर्स, हम वेक्टर्स के डील करें तो वेदर ये वेक्टर में क्या आता है, सम आता है, प्रोडक्ट आता है, किस चीजों का आता है, ये चीजें भी हम लोग इस इंटर लेवल पे देखेंगे। तो सबसे पहले टॉर्क में आ जाती है हमारे पास डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम बताएंगे जी कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, टर्न कर जाती है वो बॉडी, तो उस एक्शन को, उस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। अब टॉर्क हमारे पास होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट आर्म एंड द कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स, मोमेंट आर्म यानी के आर और एल जिससे भी ड्रॉ किया जाता है उसको, एंड द कॉम्पोनेंट फोर्स एफ यानी के आर क्रॉस एफ या एल क्रॉस एफ, इस तरह से जो के परपेंडिकुलर होगा टू द मोमेंट आर्म के ऊपर। नेक्स्ट इसकी हम डायग्राम समझेंगे। डायग्राम आपके पास है जी, एक रिजिड बॉडी है और एक पॉइंट ओ पे जो है हमारे पास एक फोर्स अप्लाई हो रही है और फोर्स अप्लाई पॉइंट ओ पे जब हुई है तो हम लोगों ने उसको रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। कैसे, यहाँ पे आपने फिगर बनानी की आपके पास एक आर वेक्टर यानी कि मोमेंट आर्म है और यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हुई है, जब यहाँ पे एंगल थीटा और ये रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में जब हमारे पास सब डिवाइड हुई है तो वो क्या हो जाएगा, नीचे से ये कॉम्पोनेंट होगा एफ कॉस थीटा और वर्टिकल कॉम्पोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। जब यहाँ पे हमारे पास एफ साइन थीटा तो ऑब्वियसली उसके पर्सपेक्टिव में हमारे पास इसके साथ कौन सा वेक्टर आएगा, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे डायग्राम की जो एक्सप्लेनेशन है ये आपके पास बुक से भी आएगी, बुक के पेज नंबर 37 पे अगर आप आते हैं मेरे साथ तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है और ये आपकी फिगर है जो उधर नोट्स में भी बनी हुई है, यहाँ तक जो आपके पास है ये आपका पैराग्राफ उस एक्सप्लेनेशन डायग्राम एक्सप्लेनेशन में ऐड होगा। क्या एक्सप्लेनेशन है कि लेट द फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ रिजिड बॉडी एट अ पॉइंट पी, ठीक है, एक फोर्स जो है वो रिजिड बॉडी की अप्लाई हो रही है एट अ पॉइंट पी एंड कैन बी रिजॉल्व इनटू द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स है एफ साइन थीटा जो परपेंडिकुलर है टू आर एंड एफ, एफ साइन थीटा हमारे पास किसके परपेंडिकुलर है, आर एंड एफ के, एंड एफ कॉस थीटा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आर, तो एफ कॉस थीटा हमारे पास किसके डायरेक्शन में, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आर। The torque due to F cos theta about the pivot O is zero as its line of action passes through the point O. Therefore, the magnitude of the torque due to F is equal to the torque due to the F sin theta only about O. तो यहाँ तक आप लोगों ने इसकी explanation हम बतानी होगी diagram की। नेक्स्ट आ जाते हैं दोबारा अपने नोट्स की तरफ। डायग्राम हो गई एक्सप्लेनेशन फॉर्मूला के, डॉट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा और आर एफ साइन थीटा में डॉट नहीं आता बल्कि क्या आता है, क्रॉस आता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर हमारे पास क्या देता है हमें, रिजल्टेंट में टॉर्क देता है। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, इस फिगर को हमने सामने रखते हुए हमने अपना क्या निकालेंगे जी, मैक्सिमम टॉर्क। आपको एक चीज याद रख लेनी है कि टॉर्क आपका हमेशा मैक्सिमम होगा जब आपके पास एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का, आर परपेंडिकुलर होगा एफ के और एंगल जब परपेंडिकुलर होता है तब कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री। तो मैक्सिमम में हमेशा दोनों कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो आर वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया एफ वेक्टर के, थीटा क्या हो जाएगा ऑब्वियसली 90 डिग्री। अब हमने क्या करना है, थीटा को सब्स्टिट्यूट करना है इस फॉर्मूले के अंदर, साइन 90 हमारे पास क्या होता है 1, तो आर एफ को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आर एफ। तो टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ फॉर द मैक्सिमम टॉर्क। इसका यूनिट हमारे पास होता है जी न्यूटन मीटर। न्यूटन कैसे आया जी,
फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और आर का यूनिट हो गया मीटर, तो कम्बिनेशन इसका हमारे पास यूनिट क्या मिल जाता है, न्यूटन मीटर। और यहाँ पे डायमेंशन हमारे पास किस तरह से निकलेंगी, फोर्स की डायमेंशन हमारे पास होती है जी एम एल टी माइनस टू, फोर्स की डायमेंशन होगी। और बाद में हमारे पास रेडियस की डायमेंशन हम लोगों ने क्या निकाली, एल। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में दोनों की डायमेंशन पहले अलग अलग लिखनी है और फिर आपने क्या करना है, टॉर्क की डायमेंशन को आपस में कंबाइन करना है, और कंबाइन करके टॉर्क की डायमेंशन आपकी क्या बन जाती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब हमने मैक्सिमम टॉर्क की बात किया, बात करते हैं कि टॉर्क मिनिमम कब होगा और टॉर्क जीरो कब होगा। अब परपेंडिकुलर था जब, तो हमारे पास टॉर्क क्या था, मैक्सिमम था। अब मिनिमम और जीरो टॉर्क में हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल का। तो सबसे पहले देखते हैं पैरेलल। जब हम लोगों ने आर वेक्टर को पैरेलल कर दिया एफ वेक्टर के, तो टीटा हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो। हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े थे उसमें भी हमने ये चीज देखी थी, जब पैरेलल होते हैं दो वेक्टर्स तो टीटा जीरो होता है, और जब एंटी पैरेलल होते हैं तब हमारे पास टीटा क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और परपेंडिकुलर में हमारे पास टीटा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आर वेक्टर पैरेलल हो गया एफ वेक्टर के, टीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर डिग्री। तो साइन जीरो हमारे पास क्या होगा, जीरो। तो कंप्लीट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू जीरो। तो जीरो कब हुआ हमारे पास, टॉर्क मिनिमम भी हमारे पास हुआ जब टीटा जीरो हो जाएगा। अब एंटी पैरेलल में 180 पे भी हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। तो जब आपसे जीरो का पूछा जाएगा, तो अगर आपके पास ऑप्शन में टीटा जीरो है और 180 दोनों, तो अब आप दोनों पे भी मार्क कर सकते हैं, ज्यादा अगर प्रेफरेंस दी जाएगी तो वो 180 को दी जाएगी। तो एंटी पैरेलल हो जाते हैं जब दोनों वेक्टर्स, तब हमारे पास टीटा क्या हो जाता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे जब टीटा आएगा तो साइन 180 इक्वल हो जाता है जीरो, तो टॉर्क हमारे पास क्या हो गया, जीरो। तो मिनिमम एंड जीरो टॉर्क में हमारे पास दो केसेस आते हैं, टीटा इक्वल टू जीरो डिग्री एंड टीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब टॉर्क क्वांटिटी कौन सी है, वेदर ये स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया जा रहा होता है तो वो क्या होती है, हमारे पास वेक्टर होती है। तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय द राइट हैंड रूल। तो वेक्टर क्वांटिटी की हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। हम अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लेते हैं और हमारे पास थंब जो होती है, वो थंब और फिंगर्स से हमारे पास क्या होती है, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन डिटरमिन होती है। इट इज आउटवर्ड टू द प्लेन कंटेनिंग द आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। ये क्या है जी, आउटवर्ड होता है प्लेन के आउटवर्ड, जिसमें आर वेक्टर भी होता है और एफ वेक्टर भी होता है। नेक्स्ट आपकी नाइन्थ हेडिंग होगी कंडीशन, कि कंडीशन क्या है, टॉर्क कैसे एग्जिस्ट करेगा, कब टॉर्क का टर्निंग इफेक्ट यानी किसी बॉडी में प्रोड्यूस होगा। तो एक तो ये कि फोर्स अप्लाई होगी तभी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और मोमेंट आर्म भी होना चाहिए, उसके बगैर हमारे पास टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। और अगर इन दोनों चीजों के साथ साथ क्या है, कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान, आर वेक्टर और एफ वेक्टर के दरमियान हमारे पास जो है वो एंगल कभी भी ना जीरो डिग्री हो ना 180 डिग्री, ठीक है। जब हमारे पास एंगल जीरो या 180 डिग्री आ जाएगा तो टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। एनालोगस, एनालोगस यानी कि किसके सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलरिटी कहाँ कहाँ इसकी आती है, ये क्या कहते हैं कि इन लीनियर मोशन फोर्स डिटरमिन्स द लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर मोशन में फोर्स हमें क्या डिटरमिन करके देती है, लीनियर एक्सेलरेशन। प्रोड्यूस इन अ बॉडी वेयर एज इन एंगुलर मोशन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमिन्स द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट क्या है कि एंगुलर मोशन में टॉर्क जो है बॉडी पे एक्ट जो कर रहा होगा वो हमें क्या डिटरमिन करके देगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। जबकि लीनियर मोशन में क्या एक्ट कर रहा था, फोर्स एक्ट कर रही थी। तो लीनियर एक्सेलरेशन हमेशा हम किसे डिनोट करते आ रहे हैं, ए से, और अब एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर बात हुई है तो वो हमेशा अल्फा से डिनोट होगी। तो जहां पे भी कहीं ये आपको साइन नजर आए, इट मींस एंगुलर एक्सेलरेशन है। Therefore, torque analogous of the force for the rotational motion. तो analogous किसके है हमारे पास, फोर्स के, और किस मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। आपकी आ जाती है 11th पॉइंट पे, कहते हैं कि एट एन एंगल 30 डिग्री द वैल्यू ऑफ द टॉर्क बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कि जब हमारे पास साइन 30 हो जाएगा तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, क्योंकि साइन 30 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे हमारे पास सॉल्व भी किया हुआ है हम लोगों ने, टीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ साइन टीटा। टीटा क्या होगा हमारे पास, 30 डिग्री, तो आर एफ साइन 30 हमारे पास क्या हो जाता है, 1/2। तो जब हमने 1/2 इधर आ गया तो हमारे पास क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू आर एफ ओवर 2। नीचे हमारे पास आ जाती है इसकी कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या है कि एवरी एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर आपका टॉर्क जो है वो इस तरह सेट कर रहा है तो वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपका टॉर्क इस तरह सेट कर रहा है, क्लॉक वाइज एक्ट कर रहा है, तो हमारे पास टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये इसकी कन्वेंशन है। तो टोटल इसमें हमारे पास 12 पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर एंटर करने हैं, इसको समझना है और उसको अच्छे तरीके से लर्न करना है और मेंशन करना है। बुक में अगर आप देखें तो बुक में भी सेम वही चीजें, यूनिट के ऊपर बात की जा रही है,
यहाँ पे थोड़ा सा एनालोगस के ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और नीचे आ जाए अगर आप अपनी एग्जांपल नंबर 2.6 देखें मेरे साथ, तो वो क्या है कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स एफ पासिस थ्रू अ पॉइंट पी ऑफ अ बॉडी हुज पोजीशन वेक्टर इन द मीटर इज, तो आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गया आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, फोर्स वेक्टर है आपके पास एफ वेक्टर है टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, और फोर्स मेजर किस में भी है न्यूटन में, डिटरमाइन द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर इन द मीटर इज टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ पे हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर्स हैं, एक हमारे पास इस किससे डिनोट करेंगे R1 से और दूसरे को हम किससे डिनोट करेंगे R2 से, एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट पी है। अब इनका कॉम्बिनेशन हम कैसे डिटरमिन करेंगे, पोजीशन वेक्टर हमारे पास कैसे डिटरमिन होता है, आर वेक्टर इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, तो आर टू हमारे पास क्या हो गया आई के माइनस टू जे कैप प्लस के कैप माइनस करेंगे टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को, तो आई कैप माइनस टू आई कैप हमारे पास क्या देखा जाएगा माइनस का आई कैप, फिर हमारे पास टू माइनस टू जे कैप माइनस जे कैप इक्वल टू माइनस थ्री जे कैप, और प्लस के कैप और माइनस के कैप हमारे पास क्या हो जाएगा ये सिंपली कट आउट हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया आर वेक्टर। अब हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या है आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर क्या है माइनस आई कैप माइनस थ्री जे कैप, एफ वेक्टर टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, इसको हम लोगों ने सारा सॉल्व किया वन बाय वन मल्टीप्लाई करवाया आगे सिंप्लीफाई किया, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास टॉर्क का माइनस 12 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 9 के कैप न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास जो है टॉर्क का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। नोट्स के साथ हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल जो है वो भी सॉल्व कर लिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का नीचे अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इनकेस कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, और लास्ट में जी मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्द से चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।